हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम फ्रूट क्रीम बनाएंगे। फ्रूट क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में क्रीम डालेंगे। क्रीम डालने से पहले इसको थोड़ा शेक कर लेंगे। अब इसमें आधा कप पिसी हुई चीनी डालेंगे। अब इसको विस्क कर लेंगे। आप चाहे तो ब्लेंडर का भी यूज कर सकते हैं। ध्यान रहे हमें इसे एक ही डायरेक्शन में मिलाना है। हम इसकी चीनी घुलने तक इसको मिलाते रहेंगे। ये अच्छे से मिल गया है और चीनी भी मेल्ट हो गई है। अब इसमें फ्रूट्स डालेंगे। अब इसमें आधा कप पपाया, एक कटा हुआ सेब, एक कटी हुई कीवी, कुछ अंगूर, आधा कप कटा हुआ आम और कुछ अनार के दाने डालेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी फ्रूट्स डाल सकते हैं। अब इन सभी को अच्छे से मिला लेंगे। हमें इसे हल्के हाथों से ही मिलाना है। ये अच्छे से मिल गया है। अब इसे बाउल में निकाल लेंगे। अब इसको कुछ पिस्तों से गार्निश कर लेंगे। ये ऑप्शनल है। ये बन गया है। अब इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे और फिर इसको सर्व करेंगे। 2 घंटे हो गए हैं और फ्रूट क्रीम भी बनकर तैयार है। आप इसे एज अ डेजर्ट सर्व कर सकते हैं। गेस्ट के आने से पहले बनाकर रख सकते हैं और फिर एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।